गाइस पेड़ गिर गए देखो, चंबा में भारी बारिश। अनदर व्लॉग। सो गाइस काफी दिन हो गए थे व्लॉग डाले हुए, शादी के बाद बहुत ही ज्यादा रेस्ट हो गया, तो सोचा आज व्लॉग बनाए। संडे भी है, निकलते हैं। आज मौसम भी काफी अच्छा है, बाहर तो लग रहा। मैं हूँ इस टाइम अभी किचन में और मौसम बाहर देख सकते हो आप, काफी अच्छी धूप लगी है, बढ़िया मस्त से धूप लगी है। मैं हो गया नहा धोके एकदम फ्रेश और अब आया हूँ मैं किचन में मम्मी का दिमाग खाने, क्योंकि मम्मी ने अभी तक मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया नहीं है। मम्मी उठे लेट और यहाँ पे अभी तक सिर्फ यही हुआ है, गोल गोल हुआ है आटे का। और मम्मी आ रहे, मम्मी इतनी लेट क्यों मेरे को नाश्ता? मेरे जो भी मन करता है रेस्ट करने जो। अच्छा, अप्पू भी मन करता है रेस्ट करने जो। यहाँ पे मम्मी की चाय बन रही है और यहाँ पे अच्छा कितना रेस्ट चाहिए मम्मी यहाँ जो। बस हाले तक तू बनाई के खुआने थे ना, अभी टाइम नहीं आया वो वाला। यहाँ पे अंडे मैं खाऊंगा आज, अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट अंडे और परौंठे। सो जब तक अंडे परौंठे बनते हैं मैं यहाँ पे मम्मी की थोड़ी हेल्प करा देता हूँ सिर्फ बोलने के लिए। यहाँ पे मम्मी बोलेंगे चल, कुछ चल 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 अंडे तोड़, अंडे तोड़ चल। और तोड़ और क्या कर रहा। सो गाइस मैं करता हूँ मम्मी की थोड़ी हेल्प। कितने दिन हो गए, ऊपर गाँव गए भी, वहाँ पे कितना काम हुआ वो भी देखना, जाके डंगे का काम लगा था। सो आज का प्लान यही है एंड शाम को शायद मैं आपको एक जगह लेके चलूँ जहाँ मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि नया बिजनेस खोला है मेरे भाई ने। सो आपको वहां लेके चलते हैं शाम को, तो बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। क्या हुई टॉबी? टॉबी कोई बाहर आया, टॉबी को परेशानी पड़ गई कि कौन बाहर आया। टॉबी कोई नहीं आया, अपना ही आया। कोई बच्चे कोई भी नहीं बाहर आया। भाई आया, भाई आया। अंडे फेंट दिए हैं, एक परोंठा बन चुका है, एक बन रहा है। अब ये किस में रखना मम्मी? और है ना रखना थोड़ी है, तो डालना नहीं किसी में, तो पर बनाना है। इस पे बना देना। हाँ जी, दूजा फ्राइंग पैन वगैरह कुछ तो अगर मैं तो गाइस देख सकते हो आप किस तरह मेरे पे जुल्म हो रहा है। बांधा नहीं पड़ना। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। ये बाहर का मौसम आज बादल है थोड़े थोड़े पर धूप भी है, बस जात को शाम तक क्या पता बारिश ना हो जाए। और ये मम्मी की किचन गार्डन जो कि मेरे को हर बार बोलते रहते हैं दिखा फूल दिखा ये दिखा, ये देखो ये मम्मी के फूलों की कलेक्शन देख सकते हो आप गाइस। यहाँ पे पता नहीं क्या उगाना है मम्मी ने। और ये फूल्स गाइस यहाँ पे कांड होता हुआ सुबह सुबह, और नीचे अंडा फेंक दिया मम्मी ने। तो तब मैं बोल रहा था दूजा ले लो, फ्राइंग पैन ले लो, क्या होता जिस पे अंडा बना। तो नाश्ता कर, नाश्ता कर गाइस। देखो डरा डरा के मेरे को नाश्ता हो रहा है यहाँ पे। पकड़, पकड़, पहले स्टार्टिंग में मम्मी तो बड़ा वो बन रहे थे शरीफ शरीफ, अब देखो मम्मी मेरे को कैसे डांटते हैं। ये है असलियत, ऐसे डांटा जाता है मेरे को। तो गाइस करते हैं अब अपना ब्रेकफास्ट, बढ़िया मस्त अंडा परौंठा, फिर उसके बाद निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। सो लेट्स ईट। ब्रेकफास्ट हो गया, मैं निकल रहा हूँ सीधा ऊपर गांव के लिए। बुआ को फोन किया था, वो आ रहे हैं अकर्ष के साथ, मेरा फ्रेंड अकर्ष आप जानते हैं उन्हें, वो भी आ रहे हैं आज हमारे साथ ऊपर। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए निकलते हैं जल्दी से। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ऊपर गांव, और यहां पे इस बार का नक्शा बिल्कुल ही अलग हो गया हुआ है, एकदम चेंज हो गया हुआ है। सरप्राइज ही मिल गया इस बार तो यहां आके। सो आपको दिखाता हूं मैं, बब्बू ये पहुंच गए हैं, आकर्ष भी पहुंच गया। सो चेक दिस आउट गाइस, ये वो जगह है जहां पे हम पहले बाइक वगैरह लगाते थे, ये फर्स्ट वाला डंगा। और यहाँ चेक करो, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग हो चुकी है गाइस, ऊपर भी शुरू हो गया है, पिलर्स लगना शुरू हो गया, नीचे वाला डंगा ये यहाँ तक आ गया गाइस। चेक करो कितना बढ़िया हो गया। बातें चली गई सारी अभी भाई चारों साथ, ये हमारे भैया काम करने वाले जो है, और ये रहे हमारे वरुण भैया।
बातें कर रहा हूँ मैं बंदों के साथ जरा। आकर्ष भी आ गया, सारी टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे। गाइस एक व्यू आपको मैं नीचे से देता हूँ, ये चेक करो, ये वो जहाँ पिछली बार आपने देखा था हम मैगी बना रहे थे यहाँ पे, और ये तब तक लगा नहीं था, थोड़ा सा था यहाँ यहाँ तक था। अब ये यहाँ पे आ गए, यहाँ से ये लैंडर कनेक्ट होगा, फिर ऊपर वाला एरिया आ गया है अलग। पूरा जो है वो अभी मैं पूरा रिवील नहीं करूँगा आपको, यहाँ बन क्या रहा है वो बाद में करेंगे, थोड़ा जब अच्छे से हो जाएगा, बन जाएगा ना तब। और सामने ये हमारा वही खूबसूरत नज़ारा, फेवरेट व्यू। सो गाइस ये अभी तक की यहाँ की प्रोग्रेस, बाकी ऊपर क्या बनेगा क्या नहीं वो हमको आपको बाद में ही बताएंगे। सो अभी यही हुआ है यहाँ पे। सो गाइस मौसम भी खराब हो रहा है तो आपको बुए से बात करवाता हूँ मैं आगे। बुआई ये जो आपने कॉलम्स वगैरह बनवाए, पिलर्स बनवा दिए ऊपर भी, नेक्स्ट प्लान क्या है आपका यहाँ को लेके? फिर प्लान यार ये कॉलम्स जो है ये बना रहे हैं बेसिकली हमारे प्रियांकुल भैया ना। हाँ जी वो है यहाँ पे, हमने जो इंजीनियर काम पे लगाए हुए हैं भैया उनको मालूम है कि कैसे करना है ये, क्योंकि लेआउट हमने पहले ही डिजाइन वगैरह इनको पता है, इनको ये मालूम है कि कैसे कैसे करना है, तो इनके काम पे मैं क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ तो हम दोनों का जो प्राइम मोटिव है वो यही है कि सेफ्टी से कम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार बन जाए चीज़ें ना तो बार बार हमें ऑल्टरेशंस की जरूरत ना पड़े, स्क्रैच से ही अच्छी बने। हाँ ठीक है, बाकी काम तो तुझे मालूम ही है घर के खत्म नहीं होते, ऊपर से बारिश का भी बड़ा सीन चला ना आजकल। हाँ यार प्रॉब्लम वो भी बहुत आ रही है क्योंकि अब कॉलम्स के लिए इन्होंने वो खोद दी है। हाँ। और जैसे ही बारिश हो रही है वहाँ पे पानी भर जा रहा है। हाँ अभी देखा मैंने पानी भरा हुआ था। रोज आके इनको यही काम है, सबसे पहले इनका वो पानी निकालने का काम करते हैं ये, फिर कॉलम। अब आज ये प्रियांकुल भैया बोल रहे हैं कि आज कॉलम्स वगैरह ये सारे ही भर देंगे, तो उसके बाद शायद जल्दी शटरिंग भी शुरू हो जाएगी। बाकी बस यही है प्लान, आपने वो अपने पहले वाले क्लिप में बता दिया होगा जब आप आए थे तो आप कर रहे थे ना रिकॉर्ड। हाँ बनाया था मैंने। हाँ तो वो आ गया, बाकी इसके बाद जब स्लैब डलेगा नेक्स्ट उस समय कर लेंगे, हमारी अपडेट भी आ जाएगी। लेंटर वगैरह कब तक है? यार वैसे तो हम अपने स्केड्यूल से बहुत लेट हैं, मौसम ही नहीं साथ दे रहा तो होना ही है ये, तो साथ नहीं दे रहा, ऊपर से पहाड़ी इलाकों में काम करना मुश्किल होता ही है भाई वो तो। हाँ क्योंकि रिटेनिंग वॉल्स के काम भी बहुत लंबे चलते हैं ना, कच्चा नहीं बना सकते आप अपने स्ट्रक्चर को, तो इसलिए हम अपने स्केड्यूल से तो पीछे हैं, बट आई होप प्रोबेबली 15 दिन में हम पहला स्लैब डाल देंगे, टिल 5-6 मई आई थिंक तब तक कर लेंगे हम। चलो ठीक है बढ़िया, तब तो निकल रहे हैं अब हम यहाँ से, मौसम भी काफी खराब हो रहा था, बादल आ गए थे, बारिश के लगने के चांसेस ज्यादा है। जाऊंगा नीचे सुल्तानपुर शानू के पास, वहां जाके मिलते हैं उससे और आपको उसकी दुकान भी दिखाता हूँ कहाँ पे है। गज व्यू चेक करो, रेस पड़ रही है सीधे वहां सामने पहाड़ पे, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू होगी, बोल ही रहा था मैं अभी। चेक करो धूप भी लगी है और बारिश भी होने लग पड़ी है एक साथ ही, सारा देखो धूप और बारिश, रोड वगैरह सब गिल्ला हो गया, खतरनाक बारिश हो रही है। और गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सुल्तानपुर मेरे कज़न की शॉप पे, तो ये रहा उसकी शॉप का नाम, रुद्रकार वॉश एंड फ्लावर हाउस। ये आपको शॉप मिलेगी कॉलेज रोड से इस तरफ आओगे जब आप खजियार चौक वाली तरफ, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी। ये रही फ्लावर शॉप इसकी, यहाँ पे कार डेकोरेशन, पार्टीज वगैरह भी हो, शादी वगैरह के लिए सजाना हो, सब काम आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कार वॉश होगी, और वो रहा राहुल काम कर रहे हैं। हेलो 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 राजू जी कैसे हो? शानू भाई बड़ी बड़ी मुबारक है आपको, राजू जी कैसे हो? ये हमारा राहुल भाई, ये हमारा काम बटाने में हेल्प कराएंगे राहुल की, इसका नाम भी राहुल, इसका नाम भी राहुल, तो दो दो राहुल मिलके काम करेंगे यहाँ। राहुल भाई कब हुई ओपनिंग फिर दुकान की? दो तीन दिन हो गए। चलो बड़ी बड़ी मुबारक है आपको यार भाई, तो मैंने बाकी बता दिया कहाँ दुकान आपकी, तो गाइस जरूर आना हमारे भाई के पास, गाड़ी की गाड़ी वगैरह सजानी हो आपने सब कुछ मैंने बता दिया आप। हाँ जी डेकोरेशन गाड़ी गाड़ी का कार एक्सेसरी वगैरह तो सभी आपको प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ। ठीक है भाई बिल्कुल,
तो ये रिक्का इस दुकान, यहाँ पे टंकिया बार और ये मोटर। ओ ये कौन सी मोटर है शानू? ये अभी यूटी की आई, अभी नहीं आई है कोई? हाँ जी, जी नहीं आई है। तू वैक्यूम के लिए भी था बोल रहा, तेरे पास वैक्यूम भी आया नई किस्म का? हाँ जी, वो आपकी जैसे सीट ड्राई क्लीन वगैरह, छत वगैरह वो ड्राई क्लीन करनी होगी तो वो हो जाएगी। चल बढ़िया, डबल डबल वाला वैक्यूम की, ठीक है ठीक है। तो भाई ये रहा वैक्यूम, वो 3-in-1 वैक्यूम है ना ये? पूरी से अंदर पूरी गाड़ी आपकी ड्राई क्लीन हो जाएगी। चल बढ़िया तब तो यार, नाइस। तो गाइस जरूर आना, रुद्र कार वॉश एंड फ्लावर हाउस, सुल्तानपुर रोड। गाइस मौसम हो गया खराब बड़ा ज्यादा, बारिश है खतरनाक, बारिश हो रही है। अब घर कैसे पहुंचना? गाइस पेड़ गिर गया, देखो अभी अभी जस्ट पेड़ गिरा, यहाँ से तारों पे टिका हुआ है ये। खतरनाक बारिश लगी है गाइस, खतरनाक बारिश है लगी, यहाँ से सोचता है से बारिश रुकी हुई है, अब टाइम से घर निकलते हैं, तो मैं आपको चला घर जाके मिलूंगा। बस मैं भी अब चेंज करूंगा, बारिश ने बुरा हाल था कर दिया आज पूरे चंबा में, ऊपर बाजार तो बुरा ही हाल था गाइस। तब मैं चेंज करूंगा, डिनर करूंगा और फिर बस सो जाऊंगा व्लॉग एडिट करके। सो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।